हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 आलोक भारती मैथ की एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है, वो दो इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया हुआ, दो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया गया है, जिसमें पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है, और 1 से 20 तक का वर्ग बताया हुआ है। और दूसरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि बहुत ही ज़रूरी है, उसमें बताया गया है कि कोई भी अगर नंबर है तो हम कैसे बताएंगे वो पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कोई अगर नंबर है तो उसका जो वर्ग होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तब आपको आसानी हो जाएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में इकाई का अंक ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, ए नंबर में क्या देखे रखा है, 64। 64 में हमको बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो हम बता चुके हैं कि जिस संख्या का आपको इकाई अंक निकालना है तो उसका सिर्फ जो संख्या उसका इकाई अंक लीजिए। जैसे इस संख्या में इकाई अंक में कितना है, 4, ये हुआ दाई अंक, तो 4 का वर्ग निकालेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो 16 जो होता है, तो 16 हम इस तरह से लिखते हैं, है कि नहीं। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब कि 64 जो है, तो 64 का इकाई का जो संख्या होगा वो डिजिट होगा कौन सा होगा, तो 64 के वर्ग का इकाई अंक, बराबर 6 आंसर, ठीक है, कितना आसान। उसी तरह से अब इसमें आप खुद से बताइए, 81 है तो 81 में 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। सी नंबर में आपका कितना, देखिए सिर्फ नंबर बड़ा रहने से नहीं होता है, आप उसको अगर समझ गए हैं तो आसानी से बना सकते हैं। 7 है तो 7 × 7 = 49, है कि नहीं। 7 × 7 = 49, 9 आया तो इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। डी नंबर में कितना है, 12 × 796, 6 है लास्ट में, तो 6 का वर्ग कितना होता, 36, यानी 6 होगा, ठीक है। ई नंबर में देखिए, लास्ट में 5 है, तो हम बताए थे कि जिसमें 5 हो उसका इकाई अंक कितना होता, 5 ही होता है, तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 5 आंसर, ठीक है। कितना आसान है ना, इंटरेस्टिंग वाली। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में संभव अंकों की संख्या ज्ञात करें, मतलब अंकों की संख्या कितना हो सकता है। तो हम बता चुके थे कि अगर एक अंक का कोई संख्या है तो उसमें अंकों की संख्या चाहे तो 1 होगा या 2 होगा। जैसे अगर हम बोले, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं आपको। जैसे अगर हम बोले कि 1, तो इसमें 1 अंक है, 2 एक ही अंक है, ठीक है, तो इसमें अंकों की संख्या 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो एक ही अंक हो गया। अगर वहीं 9 ले लेते हैं, इसमें भी एक ही अंक है, इसका अगर स्क्वायर निकाले तो कितना होगा, 81, जो कि 2 अंक हो गया। तो जब अगर अंकों की संख्या 1 रहे तो उसका अगर वर्ग निकालेंगे तो चाहे तो 1 अंक होगा या 2 अंक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह से 2 अंक रहे तो चाहे तो अंकों की संख्या 3 होगा या 4 होगा, ठीक है। अब उसी तरह से देखिए, तो यहां आपको थोड़ा सा देख करके अनुमान लगा लेना है। जैसे 41 है, 2 नंबर में, तो 41 में 2 अंक है, तो चाहे तो 3 होगा या 4 होगा। तो आपको थोड़ा सा दाहिनी वाला अंक देख लेना है, दाहिनी वाला अंक कितना है, 4 है, है कि नहीं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 1600, ठीक है, कितना है, 1600। तो 1600 में कितना डिजिट होगा, 1600 में 4 को डिजिट, 4 को अंक होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो 41 है, 41 में अंकों की, संभव अंकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा, समझ में आया। लिखेंगे 41 के वर्ग में
संभव अंकों की संख्या, अंकों की संख्या बराबर 4 आंसर। ठीक है, या थोड़ा शॉर्ट जगह पर रहा ऐसे देख लीजिए आप, समझ आया। उसी तरह से बी नंबर देखिए 117 तीन अंक है, तो तीन अंक देखिए 100 के करीब है, है ना, 100 के करीब है, तो इसमें तीन अंक है, तो चाहे तो अंकों की संख्या क्या आएगा आपका, 5 होगा या 6 होगा, बाकी नहीं, तो इसमें अंकों की संख्या कितना होगा, 5 होगा, समझ में आया। तो बी नंबर में 117 के वर्ग में अंकों की संख्या बराबर 5। उसी तरह सी नंबर में भी 5 हो जाएगा, डी नंबर में भी 5 हो जाएगा, होगा। अब ई नंबर का बात देखिए क्या है, 9804 हम एक फॉर्मूला बताए थे कि अंकों की किसी भी नंबर के में अंकों की संख्या क्या होता है, 2n होता है या 2n-1 होता है, समझ में आया। तो 2n देखिए इसमें अंकों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 है तो 2×4 है ना, चाहे तो 8 होगा या 8 से 1 कम 7 होगा। तो देखिए चूंकि ये 1000 के करीब है ना, तो 1000 के करीब है, तो इसमें क्या संभावना है कि 8 अंक होगा, क्या होगा, तो सी नंबर ई नंबर में ये इसमें तो 5 हो गया, देखिए पहला वाला में आपका हो गया 4, ये तीनों में हो गया 5 और इसमें हो जाएगा 8, और इसमें भी अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब थ्री नंबर देखिए, थ्री नंबर में क्या बोलता है, अब इस तरह से लिख लीजिएगा, बिना किसी गणना के बताएं कि निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम बताए थे कि कौन कौन सी संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है, अगर नहीं आप ये किए हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हम इसके बारे में बता चुके हैं, हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए परिपूर्ण वर्ग संख्या आपका बताए थे कि जिस संख्या के अंत में चाहे तो 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे, तो ये संख्या परिपूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है, बताए थे। और एक ये भी बताए थे कि जिस संख्या के अंत में 0 की संख्या अगर सम हो तो वो परिपूर्ण वर्ग होगा, और 0 की संख्या सम नहीं हो यानी बेजोड़ा हो तो वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, बताए थे। यानी अगर किसी संख्या के अंत में अगर 1 ही 0 रहे या 3 को 0 रहे या 5 को 0 रहे तो वो परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर आपका 576 है, लास्ट में 6 है, यानी इसमें से मेल नहीं खाया, इसका मतलब ये वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, है ना। तो यही बोलता, संभावना की बात बोलता है कौन परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो आप नहीं के लिए बोलता है, इसका मतलब ये सब अगर नहीं ये है तो इसका मतलब परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, और अगर ये सब के अलावा कुछ है तो होगा, तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या है। ये वाला देखिए 0, 1 ही 2 है तो ये परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यह देखिए लास्ट में 5 है, ये होगा। यहाँ पर 00 है, ये भी होगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में 7 है, इसमें से आ गया, इसका मतलब परिपूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर 00 है, इसका मतलब ये वाला होगा। यानी आपका कौन कौन सा आंसर हो गया, बी नंबर नहीं, उसके बाद आपका कौन सा हो गया, ई नंबर नहीं होगा, एक बी नंबर और एक ई नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब 4 नंबर देख लीजिए, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में कौन कौन सम संख्याओं का वर्ग है, तो बताए थे कि सम संख्या का वर्ग कौन कौन सा संख्या होता है, जिसका जो इकाई का अंक अगर सम संख्या रहे तो वो वाला संख्या क्या होगा, सम संख्या का वर्ग होगा, इतना तो पता है ना आपको। तो देखिए यहाँ पर आपका लास्ट में 6 है जो कि सम संख्या, इसका मतलब ये सम संख्या का वर्ग है। 4 है जो कि सम संख्या, इसका मतलब सम संख्या का वर्ग है। 1 है, ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। 9 है, 9 सम संख्या है, नहीं है, इसका मतलब ये भी सम संख्या का वर्ग नहीं है। 6 सम संख्या है, नहीं है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये वर्ग वर्ग होगा, सम संख्या का वर्ग। ये वाला 1 नहीं, तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, बोलता है निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन विषम संख्याओं का वर्ग है। ठीक है, कौन कौन विषम संख्याओं का वर्ग है, तो विषम संख्याओं के वर्ग के लिए क्या बताए थे हम कि उसका जो इकाई का अंक होना चाहिए विषम होना चाहिए। तो ये देखिए इसमें विषम संख्या 9,
इसका मतलब ये विषम संख्या का वर्ग होगा। एक भी विषम संख्या, इसका मतलब विषम संख्या का वर्ग होगा। जीरो, जीरो आपको सम संख्या की गिनती में आती है, इसका मतलब ये विषम संख्या का वर्ग नहीं होगा, ये विषम संख्या का वर्ग नहीं होगा, चूंकि छह है, पांच है विषम संख्या, इसका मतलब ये विषम संख्या का वर्ग होगा, पांच है यहाँ पर, ये भी विषम संख्या का वर्ग होगा, जीरो है, ये विषम संख्या का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग निकालने के लिए बोलता है, इसका मतलब वर्ग निकालने के लिए हम बताए थे कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या को उसी से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो छह नंबर में देख लीजिए, इकतीस है यहाँ पर। अच्छा, हम बोलेंगे आप समझ जाना, ये तो पढ़ ले क्वेश्चन ना, छह नंबर आप, हम ऐसे बोलते हैं, छह नंबर का एक नंबर क्या है, इकतीस, इकतीस का वर्ग। तो देखिए आपको ये आना चाहिए, किसी भी संख्या का गुना एक ही इसमें कैसे करेंगे, इससे आपको आसान पड़ेगा, एक दो बार तो दिक्कत होगा लेकिन उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। हम बताते हैं, ध्यान से देखिए, देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, एक गुना एक, एक, ठीक है, उसके बाद इसको मामू भगीना गुना करेंगे, यानी कोना कोनी गुना, इसको मामू भगीना देहात में बोलते हैं। तो तीन गुना एक तीन, फिर इसको तीन गुना एक तीन, तो दोनों को जोड़ देंगे, तीन और तीन कितना हो गया, छः, छः बैठा देंगे, फिर इसको इसके साथ गुना, तीन 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 तिया नौ, यानी 961। तो 31 का वर्ग कितना हो जाएगा, 961। ठीक है, दो नंबर में आपका देख लीजिए क्या है, 49 है, 49 का वर्ग कितना हो जाएगा, इसी तरह से देख लीजिए फिर, 49 गुना 49, ध्यान से, फिर अगर नहीं आया समझ में तो फिर ध्यान से देखिए, देखिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, 9 नवा 81, 81 का एक बैठा दिया, हासिल 8, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, ठीक है, तो 36 गुना 36 होता है 72, 36 गुना 36 गुना 72 होता है, 72 और 8 80, 80 का 0 हासिल, फिर 8, 4 चौक 16, 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 24, यानी 2401। ठीक है, आपको अगर ऐसे भी दिक्कत होता है तो और एक हम बताते हैं तरीका, क्या कि देखिए इसको इसके साथ पहले ये करेंगे, जो डिजिट है उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नवा 81, एक तो ये बता दिए, एक ऐसे भी कि 9 नवा 81 बता दिए, एक हासिल 8। अब इसको इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 और उसका दुना करेंगे, देखिए इसके इसके साथ गुना और ये इस 2 से गुना करेंगे, तो 9 चौक 36, 36 गुना 72, समझवाया, 72, ठीक है, और हासिल 8 था तो 72 और 8 80, फिर हासिल कितना हो गया, 8 हो गया, तो इसको इसी के साथ गुना, 4 चौक 16, 16 और 8 24, समझ में आया। तीन नंबर देख लीजिए आप, तीन नंबर है 121, 121 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना, तो आपका आ जाएगा 121 गुना 121, यहाँ पर आ जाएगा 121, फिर गुना कीजिएगा 121 गुना आ जाएगा आपका 242, फिर गुना कीजिएगा 121 एकन 121, जोड़िएगा तो 1 4 4 1 5 1 6 2 2 4 1, यानी 14 64 1 आंसर आ गया। ठीक है, ये 4 है, समझ में आया। अब उसी तरह से 12/25 है, 4 नंबर में आपका है 12/25, तो 12/25 देख के तो आपको टेंशन हुआ होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, का स्क्वायर, यानी ऊपर वाले का स्क्वायर पहले, तो 12 का स्क्वायर आप लिखा दिए थे कि 144 होता है, और 25 देखिए हम बताए थे कि जिसका लास्ट में 5 हो तो उसको कैसे स्क्वायर करेंगे, 25 बैठा देंगे, ठीक है, और इस 2 से 1 बढ़ाएंगे, 3 होगा, और इसके साथ गुना कर देंगे, द्वितीया 6, यानी 625, ठीक है, तो 144/625। फिर आपका क्वेश्चन नंबर ई नंबर में, अच्छा ए बी सी डी दिया है ना, उस तरह आप नंबर कर लीजिएगा, ए बी सी डी करके 1 2 3 दे दिए, ठीक है, तो उसके बाद ये आपका हो गया डी नंबर। ई नंबर देखिए, ई नंबर में 625, तो 625 का स्क्वायर देखिए, लास्ट में 5 है ना,
तो लास्ट में 5 है तो बताए थे कि 25 बैठा दीजिएगा, और इस 62 से 1 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा 63, ठीक है। तो इसको 63 से गुना करेंगे 62 को, तो अभी बताए 63 गुना 62 ऐसे करेंगे 3 गुना 6, ठीक है, हासिल कुछ नहीं है, 34 18, 14 12, 18 और 12 आपका हो गया 30, 30 का 0, फिर हासिल 3, 6 6 36 और 3 39, यानी यहाँ 25, फिर यहाँ पर 6 0 9 3 इतना हो गया, समझ में आ रहा ना। ई के बाद एफ नंबर देख लीजिए, एफ नंबर में क्या है क्वेश्चन, 12 ये -16 बटे 17 का स्क्वायर, तो 16 देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस होता है आपका, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 256, 4 6 16, 1 सेकेंड, 15 का होता है 225, 16 का 256, ठीक है 256, और 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 256 बटे 289 आंसर, ठीक है। आज तक के लिए यहीं तक, फिर हम लोग है ना आपका कहाँ तक, 6 नंबर तक सॉल्यूशन हो गया, उसके बाद 7 नंबर का सॉल्यूशन नेक्स्ट में करेंगे, 7 जहाँ तक देखेंगे कि कहाँ तक पॉसिबल है, ठीक है। तब तक के लिए बी विथ मी एंड ट्राई टू डू कंटिन्यूअसली, ओके, थैंक्स अलॉट।